के उद्धार भूमि पर बैठे लोग ओम मा शुद्ध बाल सर्व शुद्ध बालो मणिवाल अश्विनः। देव दीपावली के शुभ अवसर पर बक्सर जिले के अहिल्या नगरी अहिरौली में श्री राम कर्मभूमि न्यास के तत्वाधान में आयोजित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय संत सनातन संस्कृति समागम का शुभारंभ हो गया, जहां 11 लाख मिट्टी के अलग अलग रंगों के दियों को सजाकर विश्व कीर्तिमान बनाया गया। पद्म विभूषण जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री राम भद्राचार्य जी के द्वारा 9 दिवसीय श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ शुरू किया गया। यहाँ राम ज्योति छवि को दर्शाते हुए देव दीपावली पर अलग अलग रंगों से 11,30,000 दीपों द्वारा विश्व कीर्तिमान बनाया गया, जहां देश के कोने कोने से आए लोगों के साथ जिले के लाखों लोग इस दृश्य के गवाह बने। वहीं बक्सर सांसद सह केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे भी यहां मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अध्यात्म से जुड़ी गाथाएं याद करते हुए देश के आतंकवादियों का नाश निश्चित है। ओम मा शुद्ध बाल सर्व शुद्ध बालो मणिवाल अश्विनः। बक्सर, खासकर बक्सर का अध्यात्म भाई देश क्या है? मैंने क्या कहा कि अहिल्या माता धाम आज न केवल देश में, दुनिया के क्षितिज पर, और मेरी यही अंतिम तमन्ना है कि मैं इस राम के चरणों में इस सिद्धाश्रम बक्सर को, इस अहिल्या धाम को अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर, रामायण परिपथ को भारत सरकार ने लिया है, लेकिन इसे हमें देश और दुनिया के उस क्षितिज पर, जिस क्षितिज पर भगवान राम ने कभी पराक्रम किया था, ये पराक्रम की भूमि, ये पुरुषार्थ की भूमि है, जहाँ 3 तारीख को चरण पादुका का पूजन करके और उसका शुभारंभ लखनऊ से हमारे वहाँ के योगी आदित्यनाथ जी, संत योगी आदित्यनाथ, महंत योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ने किया। 5 तारीख को रात में वो यात्रा यहाँ आ गई, वो यात्रा यहाँ विराम कर रहा है, और यहाँ से फिर 16 तारीख को विवाह पंचमी के लिए जनकपुर धाम प्रस्थान करेगी, वो सीतामढ़ी पुनारी होकर के और कई स्थानों से होकर वो यात्रा जाएगी। कौन संत आ रहे हैं बाबा? संतों का मेला लग रहा है। बड़े संत लोग, सब लोग आ रहे हैं। कल आपको दर्शन होगा, कल उनका पूजन होगा, संतों का उद्बोधन होगा, उनका मार्गदर्शन होगा। हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं, गौरवशाली हैं कि आज ऐसे संत महात्मा माता अहिल्या धाम के मंडपम में आकर के अपना उद्गार, अपना मार्गदर्शन समस्त देशवासियों को देंगे। भृगु ऋषि और वामन भगवान की ये धरती, ये सिद्धाश्रम की भूमि रही। सनातन काल में सनातन संस्कृति समागम रामराज की ओर से 7 नवंबर से 15 नवंबर तक माता अहिल्या के स्थान पर होने जा रहा है। मधेपुरा के सेवा फाउंडेशन के तत्वाधान में पहली बार 1108 दीप जलाकर धूमधाम से देव दीपावली मनाई गई, जिसका विधिवत उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर सिंहेश्वर के विधायक चंद्रहास चौपाल और सिविल SDO मधेपुरा ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर धर्म के जानकार बताते हैं कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देव दीपावली भगवान शिव के त्रिपुरासुर पर विजय प्राप्त करने की खुशी में मनाया जाता है। इस दिन देवी देवताओं के स्वागत के लिए वाराणसी के घाटों पर लाखों की संख्या में दिए जलाए जाते हैं, इसीलिए इसे देव दिवाली कहा जाता है। यही दिन त्रिपुरासुर नाम के राक्षसों को भगवान शंकर ने उनका वध किया था। उसके बाद काशी में सभी देवता लोग मिल के देव दीपावली मनाए। तभी से ये प्रचलन है, कार्तिक के पूर्णिमा के रोज देव दीपावली हम लोग मनाते हैं। जहाँ तहाँ जिनको जो श्रद्धा होता है, 5वें दीप सही, लेकिन लोग मनाते हैं। आज श्रृंगी ऋषि सेवा फाउंडेशन के द्वारा 1108 दीप जलाकर देव दीपावली मनाया गया है, जिसमें कि हमारे माननीय विधायक जी, अनुमंडल पदाधिकारी महोदय और समाज के सभी जितने भी बुद्धिजीवी लोग थे, सभी लोग थे। इसमें बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसके लिए मैं श्रृंगी ऋषि सेवा फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो इसी तरह का काम जो पहले लोग नहीं जाना करता था, जो चीज़ लोग नहीं जान रहा था, उसको भी जानने का कोशिश किया है ये श्रृंगी ऋषि सेवा फाउंडेशन को। हम तहे दिल से बता दें कि देव दीपावली पर्व हर साल कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। हिंदू धर्म में दिवाली की तरह देव दीपावली का भी महत्व है। इस त्यौहार को भी दीपों का त्यौहार कहा जाता है। देव दिवाली का ये पर्व दीपावली के ठीक 15 दिन बाद मनाया जाता है। पंजाब केसरी TV के लिए मधेपुरा से राजीव रंजन की और बक्सर से संजय उपाध्याय की रिपोर्ट। माता की, पृथ्वी माता की, भारत माता की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।